हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी सब्जी की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। आप सब्जियाँ खाकर या फिर पनीर खाकर बोर हो चुके हैं तो इस तरह की सब्जी बनाइए जो प्रोटीन से भरपूर है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें एक बड़ा चम्मच तेल ऐड किया है। जैसे ही तेल गर्म होता है हम इसमें कुछ खड़े मसाला ऐड करेंगे। तेज पत्ता, लौंग, इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे 30 सेकंड के लिए सौते कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन और इसे भी हम 30 सेकंड के लिए सोते कर लेते हैं। हल्का हल्का सा कुक हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े कप जितनी प्याज। प्याज को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसे इसमें ऐड कर देते हैं और इसे 1 मिनट के लिए लाइट पिंक होने तक इसे सोते कर लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 कैश्यू यानी कि काजू, इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और लाल मिर्च पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब पानी। यहाँ पर मैंने जिस कप के नाप से प्याज और टमाटर लिए उसी कप के नाप से मैंने पानी लिया है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे 3 से 4 विसल तक कुक कर लेते हैं। यहाँ पर 4 विसल हो चुकी है और कुकर का प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर और प्याज है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने हैंड ब्लेंडर लिया है, इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सी के जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह से क्रश हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसमें हम 4 बड़े चम्मच जितना कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा तेल गरम होता है हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया जीरा पाउडर। यहाँ पर ध्यान रहे फ्रेंड्स कि गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। इसे तुरंत ही मिक्स कर लेते हैं और इसमें 2 चम्मच जितना पानी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। अब हम मसालों को 1 मिनट के लिए सोते कर लेते हैं। देखिए हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो अब हमने जो ग्रेवी बनाई थी उसे इसमें ऐड कर देते हैं। पर मैंने एक छन्नी ली है, इसमें हम ग्रेवी को ऐड कर देते हैं और ग्रेवी को हम इसमें छान कर ही ऐड करेंगे। अब हम ग्रेवी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हम ग्रेवी को ज्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से ही प्याज और टमाटर को अच्छे से कुक कर लिया था। अब हम इसमें एक बॉईल आने देते हैं। देखिए हमारी सब्जी में एक बॉईल आ चुका है, अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब चॉप की हुई शिमला मिर्च।
इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसे 4 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप बॉईल किए हुए मूंग लिए हैं। इसे मैंने प्रेशर कुकर में 1 से 2 विसल तक कुक कर लिया है। इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर 1/2 कप मैंने बॉईल की हुई स्वीट कॉर्न लिए हैं। इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मकई के दाने जो है वो टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें चाहे तो इसे ना ऐड करें। आप इसे ऐड नहीं करेंगे तो भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसे फिर से 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। देखिए 4 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो सब्जी है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब घर की मलाई ऐड कर देते हैं। आप इसकी जगह पर फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 1 मिनट तक कुक कर लेते हैं। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देते हैं और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मूंग और मकई की सब्जी बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी यमी लग रही है ना, ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी यमी और डिलीशियस लग रही है ना, आप इसे रोटी या पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम इसे मलाई और धनिया की पत्ती के साथ गार्निश कर लेते हैं। है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका सब्जी बनाने का, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।